आगमन वे आ पुराणे पंडितमान बहन्ति बक श्रीफल अली आ जिम आहेरित भ्रमयन्ति। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो बी कणपा। काव्य पंक्ति काव्यकार आगमन वे आ पुराणे पंडित मान बहिंती पक्कसी सिरिफल अलिया अंजिमे वाहेरित भ्रमयंती कणपा। गंगा जमुना मुझे बाहिरे नहीं तेहे डो बुडेली मतंगी यो आ लीले पार कराई डोंबिपा। जिहि मन पावन न संचरई रवि शशि नाही प्रवेश तहि वत्त चित्त विषाम करु सरेहे कहिया उवेश सरापा। ससुरी नींद गेल ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागा कानेट चोर नीलका गई मागा दिव सई बहुनी काढ़ही डरे भा रति भल भईले कामरु जा उकरीपा। रचना का दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो देखिए कवि जीवन का स्वयंभू 1783 पुष्यदंत 10वीं शतीब से या 972 अब्दुल रहमान 12 से 13वीं शताब्दी हेमचंद्र 11वीं शताब्दी या 1088 डिंगल कवियों की वीर गाथा निर्गुण निर्गुणिया संतों की वाणिया कृष्ण भक्तिया रागानु रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्तिया वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी काव्य सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो बी अजय प्रसाद द्विवेदी। डिंगल कवियों की वीर गाथा है निर्गुणिया संतों की वाणिया कृष्ण भक्तिया रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्तिया वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्पोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये नाद। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्पोर्ट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों के बराबर चलती रही गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोग दोनों मानते हैं। नाथ संप्रदाय में हठयोग मूलतः देह शुद्ध का साधन है। देह शुद्ध और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत किया जागृति करता है। महाकुंडलिनी में
ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनाहत घोष करती है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेल कीजिए। प्रबंध चिंतामणि 1304, रचनाकार जैनाचार्य मेरुतुंग। रणमल छंद 1454, श्रीधर। जयमयंक जय चंद प्रकाश 1224, भट्ट केदार। जयमयंक जयचंद्रिका 1243, मधुकर कवि। लखमसेन पद्मावती 1459, दामोदर कवि। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो सी विद्यापति की। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति व्याख्या देखें। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं शैव, सर्वससार, गंगा, वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान, वाक्यावली, विभाग सार, लिखा नावली और पत्तलक वर्ण कृत्य इत्यादि। अवट भाषा में कीर्ति लता 13वीं शताब्दी तथा कीर्ति पताका। मैथिली भाषा पदावली 1403 तथा गोरक्षा विजय नाटक। आचार्य देवसेन के ग्रंथ आचार्य श्रवाकाचार्य नयचक्र दर्शन सार भाव संग्रह आराधना सार तत्वसार तथा सावप धम्म दोहा इत्यादि। गोरखनाथ के काव्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। शिष्य दर्शन प्रण संकली नर वैभोध आत्मबोध अभय मात्र योग 15 तिथि सप्त वार गच्छिंचु गोरख बोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान 34 तथा पंच मात्रा। ज्योतिषो ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर नोट डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रवाकाचार्य को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। देवसेन के नया चक्र की लघु नया चक्र का नाम भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो बी मनोहरलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास प्रामाणिक अप्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक। श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रामाणिक मानते हैं, कर्नल टाड प्रामाणिक मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित प्रामाणिक मानते हैं, मोतीलाल मनेरिया प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, बुल्हार राम कुमार वर्मा, मोरारी दान अर्ध प्रामाणिक। देखिए मुनि जन विजय मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहट। नोट नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण प्रमाणिक अप्रमाणिक मानते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए राहुल बेल रोड़ा कवि, हुमान रासो दलपति विजय, चंदन बालादास आशागुण, योग चर्या डोंबिपा। कीर्ति लता किस भाषा में लिखी गई है? तो अवहट
कीर्तिलता की भाषा आवर्त है, इसके लेखक विद्यापति है, इसकी अन्य रचनाएं भाषा इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में लिखा गया अवट अपभ्रंश में, मैथिली में पहले संस्कृत। शैव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भूकरि परिक्रमा दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार लिखना वली, गया पतलक वर्ण कृत्य अवहट अपभ्रंश। कीर्तिलता कीर्ति पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। मैथिली पदावली गोरक्षा विजय नाटक, गोरक्षा विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की, तो बी अब्दुल रहमान। वाक्य इस प्रकार है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मोत्तर रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ है, जबकि मंजन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है थी। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये वीरगाथा काल। झारखंड टीजीटी। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न विद्वान ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया है, चरण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ला, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सावन काल रावण सस्कंत्यान, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, चारण काल या संधि काल रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताइए, तो सी सही है, सरप्पा गोरखनाथ हेमचंद्र सोम प्रभु सूरी। सरप्पा 769 रावल संकेतन के अनुसार, गोरखनाथ 845 रावल संकेतन के अनुसार, हेमचंद्र 1088 ग्यारहवीं शताब्दी, सोम प्रभु सूरी 1184 12वीं शताब्दी। आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो सी वर्षा ऋतु में। व्याख्या, रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आलाखंड 1230 ईस्वी एक वीर गीत वीर काव्य है, वीर गीत या वीर काव्य है जो सामान्य वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो 9वीं शताब्दी दलपति विजय, परमाल रासो आलाखंड 1230 जगनिक, विसलदेव रासो 1212 नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो 1192 चंदबरदाई, संदेश रासक 1200 से 1300 शताब्दी अब्दुल रहमान। नोट, संदेश रासक देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मोत्तर रास ग्रंथ है, यह एक खंड काव्य है। 82 किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है, तो ये बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है या संध्या भाषा कहा गया है। नाम मुनिदत्त तथा अद्वय ब्रज ने दिया है, अतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या या संध भाषा कहा गया है। 183वां क्वेश्चन, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। र,
रचना रचनाकार भाषा विजयपाल वासु नाला सिंह अपभ्रंश चर्या गीत कोश सरहापा संदा भाषा पदावली विद्यापति मैथिली खुसरो की पहलिया अमीर खुसरो हिंदवी कीर्तिलता विद्यापति अवहट नोट चर्या गीत कोश सरहापा की रचना तथा चर्यापद शबरापा की रचना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे तो बी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग 783 के स्वयंभू है। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। पौम चरिवु रिटर्नेम चरिवु स्वयंभु छंद आदि स्वयंभु की रचनाएं हैं। 185वां क्वेश्चन 12 बरस कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किस काव्य की है तो डी परमान रासो। 12 बरस कुकर जिए परमान रासो आलाखंड जगनिक उक्ति धर्म विशालश राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया चंद्रवदाई पीव चितोड़न आवी आई आवी उ सावण पहली तीज कुमार दासो दलपति विजय चलिवु वीर हमीर पामर में झिणी कंपई हमीर रसो शरंगधर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना ओम में किस भाषा का प्रयोग हुआ है तो सी डिंगल। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष वर्गों को उपयोग किया जाता है या दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। डिंगल अपभ्रंश राजस्थानी डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जबकि आदिकाल में कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का उपयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं से मिश्रण से बनी है। पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा शब्दानुशासन के लेखक बी हेमचंद्र। शब्दानुशासन का व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। रसमीमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ला दोहा को सरापा ओमचर्यो शंभु की रचना है। खाली कबरी किसकी रचना है अमीर खुसरो की। खाली कबरी कोश ग्रंथ है। दो सुकाने हालात ए कन्हैया नजराने ए हिंद पहलिया मुकरिया गजल इत्यादि अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 की रचना है। नोट अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि या प्रथम कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1922 ने कहा का जन्मकाल है। इनमें से कौन सा युग्म संगत है देखिए बिशल देव रासो 1212 नरपति नल्ला कुमार रासो 19वीं शताब्दी दलपति विजय विजयपाल रासो 1543 नरपति नल्ला परमाल रासो 1230 जगनिक पृथ्वीराज रासो 1192 चंद्र बरदाई। राहुल वेल किसकी रचना है तो बी रोड़ा कवि की रचना है। राहुल वेल रोड़ा कवि की पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की उक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की पौम चरिव स्वयंभू की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है तो वह मानी है सी रामचंद्र शुक्ला।
व्याख्या। रासो शब्द की उत्पत्ति मान वाले विद्वान हैं रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ला, राजसूय गारसा दत्तासी, राज यश हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक नरोत्तम स्वामी, रास नंद दुलारे वाजपेयी। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ए भारतेश्वर वाहुलीलास 1184 से 1184 ईस्वी, शालीभद्र सूरी, स्थूलीभद्र रास 1209, जीन धर्म सूरी, नेमिनाथ रास 1213, सुमति गणी, संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी, शरंग देव। पौमचर्य किसकी रचना है? तो श्री स्वयंभू की। पौमचर्य राम कथा, रिटनिमचर्य हरिवंश पुराण, कृष्ण कथा तथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मोत्तर रस ग्रंथ है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। संदेश रासक यह खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ, चंदपाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वी रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा गया लिखा जाने वाला वीर तथा संघर्ष काव्य है। चंद्रपदा हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीरासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद्रपदा ने 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत अवध तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि है। विद्यापति तिरहु के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं का सम्मिलित कीजिए। तो वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, ज्योतिष ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, दामोदर शर्मा, दामोदर पंडित, बिसलदेव रासो 1155, नरपति नाहला, राहुल बेल 10वीं शती, रोड़ा कवि, खुमान रासो 9वीं शताब्दी, दलपति विजय। पुष्यदंत की किस शताब्दी के कवि हैं? तो वो है 10वीं शताब्दी। पुष्यदंत या आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्यदंत अपभ्रंश के महाकवि है। पुष्यदंत को हिंदी का भगवती कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भाका की जड़ या भाषा की जड़ कहा है। पुष्यदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। दूसरा है जस हर चरिऊ, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है और इनमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। नयकुमार चरिऊ, इस काव्य में 9 संधियां हैं। नोट, पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। दोहाकोश किसकी रचना है? तो बी सरहपा। देखिए एमपी असिस्टेंट डी ट्रिपल एस पीजेड स्टैंडर्ड व्याख्या। दोहाकोश सरहपा 769 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सरहपा 780 की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः
अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दुष्टकूट में लिखा गया है, दुष्टकूट में लिखा गया है। नोट, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बोध गान ओ दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिलोपा सरापा कणापा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागसी ने किया। 198 रचनाकाल की दृष्टि से निम्नकृतियों का सही क्रम उत्तर होगा ये कुवलय माला कथा राहुल वेद उक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। कुवलय माला कथा 778 उद्योतन सूरी राहुल वेद 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि उक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिष्वर ठाकुर। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। संदेश राशक अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान पौमचर्यु स्वयंभू महापुराण पुषदंत चर्यापद शबरप्पा राहुल वे अरोड़ा। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो ए सिद्ध साहित्य से। सरहपा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। राहुल संस्कृत ने इनका समय 769 माना है। इनकी रचना दोहाकोश है। सरहपा के अन्य नाम सरहपाद सरोज वज्र तथा राहुल भद्र है। अपभ्रंश का प्रमुख छंद ए दोहा। अपभ्रंश का प्रमुख छंद दोहा। पज्झटिका अरिल कड़वक तोमर त्रोटक इत्यादि है। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार बी योगी योगींद्र या जोगींद्र। रचना समय रचनाकार पाहुड़ दोहा 11वीं शताब्दी राम सिंह। परमात्मा प्रकाश 6वीं शताब्दी जयेंदु या योगींद्र। कुमार पाल चरिव योग शास्त्र 12वीं शताब्दी हेमचंद्र। प्राकृत व्याकरण छंदोनुशासन देशी नाममाला कोश सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्रबंध चिंतामणि 1304 जैनाचार्य मेरुतुंग। नोट, जयेंदु या योगींद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है। सी मृगावती 1501 कुतुबन, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी 1764 नूर मोहम्मद। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सी सोम प्रभा सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी सोम प्रभा सूरी की रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य हेमचंद्र का है। अंगवधु किस कवि की रचना है? तो ये दादू दयाल। व्याख्या, अंगवधु दादू दयाल की रचना या उनकी रचनाओं का संकलन है। अंगवधु के संकलनकर्ता रजब है। हरडेबाणी भी दादू की रचना का संग्रह है।
काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम देखिए। स्वयंभू, पौमचरिवु, 8वीं शताब्दी, दलपति विजय, खुमान रासो, 9वीं शताब्दी, नरपति नाल, बिसलदेव रासो, 11वीं शताब्दी, 1155, आसागुण, चंदन बाला रास, 1200 के लगभग। नेक्स्ट है सबरस के रचनाकार ए मुल्ला वजही। व्याख्या, सबरस 1635 दक्कनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। हठयोग प्रारंभ का प्रारंभ निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो सी गोरखनाथ, रुचि सी नेट। हठनाथ पंथ का मूल बौद्ध की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया तथा षट्चक्र वाला योग मार्ग चलाया, नाथपंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूत पंजाब में हुआ। कुवल या माला कथा के रचनाकार बी उद्योतन सूरी। कोलेमाला गद्य उद्योतन सूरी 9वीं शताब्दी आदिकालीन राहुलवेल चंपू रोड़ा कवि 10वीं शताब्दी पूर्व हिंदी अवधि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याख्यान ग्रंथ दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी। वर्णरत्ता का शब्दकोश ज्योतिश्वर ठाकुर 14वीं शताब्दी मैथिली भाषा। 210 अहमद अहमान अहमण की रचना बी संदेश अब्दुल रहमान की रचना। प्राकृत पेंगलम सुनीति कुमार रचना। व्याख्याकार रचना लेखक समय। प्राकृत पेंगलम सुमति याकोब के अनुसार लक्ष्मी धर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध। संदेश राशि अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी आरंभ। जयचंद प्रकाश प्रबंध भट्ट केदार जयशंकर जय चंद प्रकाश भट्ट केदार 12वीं शताब्दी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग 1304। अठारहवीं शताब्दी के कवि बी कौन है? हेमचंद्र। 8वीं शताब्दी के कवि 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद्र नहीं है, वे ये 11वीं शताब्दी के है। अन्य कवियों का समय इस प्रकार है। सरहप्पा 8वीं शताब्दी, मैं क्या कहा, सरहप्पा 8वीं, सरहप्पा दोहाकोश 8वीं शताब्दी, हेमचंद्र शब्द 11वीं शताब्दी, शबरप्पा चरपद 8वीं शताब्दी, स्वयंभू पवनचर्य 8वीं शताब्दी। 212 मैत्री की प्राचीनतम उपलब्धि ये वर्ण रत्नाकर। व्याख्या, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्णगत्र जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है। यह 14वीं शती की रचना मानी जाती है। यह कीर्तिलता की, विद्यापति चर्यापद शबरपा आदि ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की है। यह श्रीमद् भागवत गीता की टीका है। पुष्यधन की प्रबंध रचना बी नयकुमार चरिवु। पुष्यदंत की प्रबंध रचना नयकुमार चरिवु। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है। नयकुमार चरिवु या नाग कुमार चरिवु पुष्यदंत प्रबंध काव्य। रिट्टनेम चरिवु या अरिष्ट नेमी चरिवु स्वयंभु। पौम चरिवु या पद्म चरिवु स्वयंभु प्रबंध काव्य। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी धनपाल।
मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक बी वर्ण रत्नाकर। वाक्य मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचना काल 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। 215 राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो सी बिसलदेव रासो। राजमती बिसलदेव रासो ग्रंथ की नायिका है। इसकी रचना नरपति नाल 1155 ईस्वी में किया था। यह एक गेय काव्य है। इसके चार खंड है तथा लगभग 2000 चरण है। यह वर्णात्मक काव्य है। इसके वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है। महापंडित राहुल संस्कृत ने इस इनमें से किसी कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो देखिए बी सरहपात। व्याख्या सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृत और अन्य कवियों द्वारा सर्वसम्मति से माना गया है। अन्य विद्वानों का मत प्रस्तोता समय कवि शिव सिंह सेंगर सेंगर 7वीं शताब्दी पुष्यापुंड को माना है। राहुल संस्कृत ने 8वीं शताब्दी सरापा ये सहजयान के प्रवर्तक थे। 769 इनका जन्मकाल प्रवर्तक थे। इनके उपनाम इस प्रकार है सरहपाद सरोज रुद्र राहुल भद्र प्रमुख। रचना दोहा कोश। राम कुमार वर्मा 8वीं शताब्दी स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि है। समय है 783 एवं अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना पवम चरिवु अपूर्ण है। रिटर्न एम चरिवु कृष्ण चरित्र पर आधारित है। गणपति चंद्रगुप्त 1184 शालीभद्र सूरी इनकी प्रमुख रचना। भारतेश्वर बाहुबली रास है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं शताब्दी रामानु राजा मुंज को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 13वीं शताब्दी अब्दुल रहमान कृत संदेश रास पहला धर्मोत्तर धर्मेतर रास ग्रंथ है और देशभाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है जिसके विक्रमपुर की एक योगिनी के विरह का वर्णन किया गया है।